नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको वर्मी कंपोस्ट खाद की बनाने की विधि एवं उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्मी कंपोस्ट खाद किसको कहते हैं। केचुए द्वारा तैयार जो खाद होती है उसको वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। केचुए की आंतों के अंदर उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो उसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और बाकी का जो मल निकलता है वो एक उत्तम गुणवत्ता वाला जैविक खाद होता है। बाहर जो चीज़ 1000 घंटे में सड़ती है वो केचुए की आंतों के अंदर 1 घंटे में ही सड़ जाती है। केचुए के बारे में कहावत है कि केचुए की खुराक जो है एक हाथी के बराबर होती है। जो कुछ केचुआ खाता है वो मुंह से खाता है और मल द्वार से निकालता रहता है। जो सतही सुरंग बना के रहते हैं वो उन केचुए की लंबाई 3 से 4 इंच होती है, जबकि गहरी सुरंग बनाने वाले जो केचुए हैं उनकी लंबाई 8 से 10 इंच होती है। इन गहरी सुरंग बनाने वाले केचुओं का वजन जो है वो लगभग 5 ग्राम के आसपास होता है और ये जमीन के अंदर 8 से 10 फीट तक नीचे सुरंग बनाते हैं, जबकि सतही सुरंग बनाने वाले जो केचुए हैं वो जमीन में केवल 1.25 से 1.5 फीट तक ही सुरंग बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए सतही सुरंग वाले केचुए जो है उन्हीं को पाला जाता है। उसका मुख्य कारण ये है कि इन दोनों के खाने पीने की जो आदत है उसके अंदर फर्क है। जो गहरी सुरंग बनाने वाले केचुए हैं वो 90% जो है मिट्टी खाते हैं और 10% जो है रेत खाते हैं, और सतही सुरंग बनाने वाले जो केचुए हैं वो 90% कार्बनिक पदार्थ खाते हैं और 10% मिट्टी खाते हैं। इसकी बेड जो है हमेशा छाया के अंदर ही लगानी चाहिए, क्योंकि केचुआ जो होता है उसकी आँखें नहीं होती है पर प्रकाश के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है ये अंधेरे में चला जाता है और ये अंधेरे के अंदर ही ज़्यादा क्रियाशील रहता है। अब मैं आपको वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए किन किन सामग्रियों की ज़रूरत है उसके बारे में जानकारी दूंगा और उसमें क्या चीज़ ध्यान रखने की बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं उनको आप ध्यान रखना है।